बाड़मेर के केंद्रीय बस स्टैंड स्थित रोडवेज डिपो की हालत इन दिनों खस्ता है। रोडवेज डिपो परिसर में बने गैराज का भवन जर्जर हो गया है तो बनाए गए छप्पर भी खस्ता हाल है। कुछ रोज पूर्व आए आंधी तूफान से गैराज भवन और छप्पर को नुकसान पहुंचा था, इसके बाद रोडवेज ने इसकी सार संभाल नहीं ली है। बाड़मेर के केंद्रीय बस स्टैंड में रोडवेज डिपो में स्थित रोडवेज की वर्कशॉप इन दिनों बदहाली से गुजर रही है। कई दशक पहले बने वर्कशॉप भवन की हालत इन दिनों खस्ता है तो रोडवेज प्रबंधन की ओर से जर्जर भवन की मरम्मत को लेकर कोई रुचि नहीं ली जा रही। दरअसल रोडवेज वर्कशॉप में रोडवेज की बसों की सर्विसिंग में मरम्मत के साथ ही डीजल भरने का काम किया जाता है। वर्कशॉप का भवन कई दशक पहले बना था, अब इस भवन की हालत ये हो गई कि दीवारों में दरारें ही दरारें नजर आती हैं। इसके अलावा कुछ दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तो यहाँ बनाया गया छप्पर भी बदहाल स्थिति में है। बदहाली की दौर से गुजर रहे रोडवेज वर्कशॉप भवन को हाल ही में आए आंधी तूफान और बारिश से भी काफी नुकसान पहुंचा है। यहां काम करने वाले रोडवेज कार्मिकों का कहना है कि वर्कशॉप भवन इस कदर क्षतिग्रस्त है कि कभी भी गिर सकता है। ये भी आंधी वगैरह में इसमें है, ये पेड़ पौधे के जो पास में है ना दीवार, जो पेड़ वगैरह की जो आंधी का झोंका लग गया था उससे डैमेज हो रही है और उसको बता दिया है और अभी रिपेयर होने जा रही है। दीवार पूरी टूट चुकी है, यहाँ पे बसों का रिपेयरिंग काम किया जा रहा है, अब टायर वाला स्टोरेज है यहाँ पे पूरी दीवार। हाँ तो अभी ये जैसे अभी आंधी तूफान में है, अभी जैसे आपको पता है अभी आंधी तूफान तेज हवाएं चल रही है, उसमें जो जो पेड़ के पास में है वहाँ पे वहाँ थोड़ा डैमेज हुई दो तीन जगह, तो अभी जो है बता दिया गया है अभी रिपेयर होना है। रोडवेज वर्कशॉप भवन की बदहाली को लेकर जिम्मेदार कतई गंभीर नजर नहीं आ रहे। बदहाल भवन की मरम्मत को लेकर रोडवेज प्रबंधन की ओर से रुचि नहीं ली जा रही, ऐसी स्थिति में रोडवेज कार्मिकों को जान जोखिम में डालकर कार्य करने को मजबूर होना पड़ रहा है।